ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू बर्निंग पेज फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं आप सभी को कुछ बैकग्राउंड पेजेस दूंगा जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, तो आप लोग जो है इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस आप सभी को जो है इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको कैसे एडिट करना है ये फोटो, तो आप लोग जो है बस वीडियो को ध्यान से देखना एंड कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस आप सभी को मैं गारंटी देते हैं एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे एडिट करना है। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी को अब क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में गाइस, यहाँ से जो आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। एंड जो गाइस मॉडल है मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है ताकि जो है गाइस मैं आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ एंड जो आपको मैं जल्दी जल्दी एडिटिंग सिखा दूँ। तो गाइस इसका जो बैकग्राउंड है मैंने इरेज कर रखा है, बट आप में से अगर किसी भाई को नहीं आता है तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख के आप बैकग्राउंड को इरेज कर लेना। अदरवाइज अगर आपको वहाँ से नहीं देखना तो आप यूट्यूब पर सर्च मार लेना, आपको इजीली वहाँ पे बतेरी वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जब गाइज आप अपने मॉडल को ऐड करोगे तो गाइज आपको एक ब्लैक कलर की शीट ऐड करनी है, एंड इसको शीट को ऐड करने के बाद आपको फुल स्क्रीन करना है, फिर इरेज़र टूल में जाकर आपको इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश के साइज को इंक्रीज करना है, एंड आपको अपनी फोटो को जूम करना है एंड उसके नीचे आपको शेडो क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऐसे ब्रश को ब्रश ऐसे कर पेंट करना ब्रश से आपको, ठीक है, अपने बॉडी के ऊपर, मतलब कि जहाँ जितने एरिया में आप बैठे हो बस उतने एरिया में पेंट करना है। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा जगह पे नहीं करना, नहीं तो जो है आपकी शेडो बेकार बन जाएगी। तो मैं आपको गाइस जिस तरीके से शेडो सिखाऊँ, अगर आपको किसी और तरीके से आता है तो गाइस आप उस तरीके से भी शेडो बना सकते हो। ठीक है, मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से बना रहे हो, मैटर करता है गाइस आपका शेडो होना जरूरी है। ठीक है, तो बाकी आप किसी भी तरीके से बनाओ बस शेडो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतने कर देने के बाद आपको इसको मूव डाउन कर देना है। ठीक है, एंड मूव डाउन करने के बाद आपको जो है इसकी ओपोसिटी यहाँ पे कम कर लेना है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, आप अपनी फोटो को डन कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको एक क्राउ का पीएनजी ऐड करना है, एंड इसको ऐड करने के बाद जो आपको सिंपली अपने शोल्डर के ऊपर रख देना है इसको। तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट रख लेता हूँ। सो जब आप क्राउ का पिंच का ऐड कर लोगे तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको कर देना यहाँ पे डन, एंड उसके बाद आपको करना है आपको जाना ऐड फोटो में गाइस, यहाँ से ऐड करना आप सबको ये फायर का पिंची, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। एंड इसको ऐड करने के बाद जो आपको क्या करना है, आपको उसका पहले ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ले जाना है, इसको थोड़ा रोटेट कर लेना है, इसको आपको यहाँ पे ले जाना है आपको यहाँ पे पेपर के पास। ठीक है, तो आपको जो पेपर पकड़ के जो आपने फोटो क्लिक कराएगी आपको सिंपली इसके पास यहाँ पे ऐड कर देना है, एंड कुछ इस तरीके से। एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे अब आप सभी को इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है इसमें फायर के पीएनजी में। तो वो एडजस्टमेंट क्या करनी है, आपको जाना पहले एडजस्ट में। ठीक है, एडजस्ट में जाने के बाद आप जो ब्राइटनेस है गाइस, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रास्ट है जो गाइस, उसको आपको कॉन्ट्रास्ट को जो ऊपर की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, एंड जिसके बाद जो आपका सैचुरेशन दिख रहा है आपको सिंपली इसको इंक्रीज कर देना है, एंड आपको हाईलाइट मिलेगा गाइस, आपको हाईलाइट है जो इसको भी इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको करना, आपको जाना नीचे वाले टूल में, इसके भी नीचे वाले में, एंड उसके बाद जो आपको इसको यहाँ पे 50 प्लस कर देना, एंड उसके बाद कर देना आपको यहाँ पे सिंपली डन। ठीक है, तो और कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं इसको, आप इसमें आपको अब आपको डन कर देना है। फिर गाइस आपको करना, आपको एक पीएनजी और ऐड करना है, तो उसको हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं ऐड फोटो में जाके, एंड पार्टिकल का पीएनजी है, तो आपको क्या करना, आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है, एंड जाना आपको यहाँ पे ओपोसिटी वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे इसकी ओपोसिटी कम कर देनी है, एंड उसके बाद कर देना आपको डन। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको जो अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड इसको लेके चलना लाइट रूम ऐप में, क्योंकि बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है, तो इसको लाइट रूम ऐप में ओपन करते हैं। एंड उसको जाना आपको इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको उसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे माइनस करना है कॉन्ट्रास्ट को, एंड जो हाईलाइट है जिसका हाईलाइट को यहाँ पे जो है इंक्रीज नहीं माइनस ही रखना है इसको भी, एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, शेडो को जो है हल्का सा इंक्रीज करना है, एंड जो यहाँ पे व्हाइट है इसको थोड़ा इंक्रीज करना है, एंड जो ब्लैक इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है। फिर आपको जाना है कलर्स में, आपको यहाँ पे जो वाइब्रेशन दिख रहा है आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके बाद जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा कम कर देना है। फिर जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको माइनस करना है, जो लूमिनस आपको उसको बढ़ा देना है। फिर इसका जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे जो है गाइस यहाँ पे ह्यू इसको बढ़ा देना है, एंड इसके बाद जो आपको यहाँ पे सैचुरेशन इसको बढ़ा देना है। फिर आपको जाना सर डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन बढ़ा देना है, एंड जो ह्यू है इसको यहाँ पे कम कर देना है। फिर उसके बाद कर देना आपको डन, एंड जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो विगनेट है वो डाल देना है, एंड उसके बाद जो है नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा पे ग्रेन माउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है। एंड जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस है आपको उसको इंक्रीज करना है, एंड इसके नीचे जो नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको उसको इंक्रीज करना है, एंड इसके नीचे जो कलर नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको उसको भी इंक्रीज करना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।